जरा सोचो, तुम एक ऐसी सुरंग में फंस जाओ जहां से बाहर निकला ही ना जा सके, फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। कुछ ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ। कहानी की शुरुआत होती है चाइना के एक पहाड़ी इलाके में, जहां एक लड़की लिफ्ट लेकर एक आदमी की कार में जा रही थी। अचानक उसे सीट के नीचे किसी लाश का हाथ दिखाई दिया। ये शरीफ सा दिखने वाला आदमी असल में एक सीरियल किलर है। उसी वक्त उसने कार रोक दी और तेज धार हथियार से लड़की का खून कर दिया। कुछ दिन बाद एक बस कुछ लोगों के साथ उसी रास्ते से जा रही थी, जब रेडियो अनाउंसमेंट हुई कि उस रास्ते पर एक्सीडेंट होने की वजह से आगे जाने की इजाजत नहीं है। फिर ड्राइवर टोनी ने कच्चे रास्ते की ओर बस मोड़ दी। अब बस के सामने एक सुरंग आ गई जहां से टोनी पहले कभी नहीं गुजरा था। वो आगे बढ़ने लगा और अचानक सुरंग में एक आदमी उसकी बस के सामने आ गया। इस सुनसान सुरंग में वो अकेला क्या कर रहा था, ये सोचकर सब डर गए। लेकिन वो आदमी एक पैसेंजर बनकर बस में चढ़ गया। ली ने अपने अखबार में देखा कि ये आदमी तो एक वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन वो बिना बात खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए कुछ बोला नहीं। अब चलते चलते पूरे 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन बस अब भी सुरंग में ही थी। टोनी जानता था कि देश की सबसे बड़ी सुरंग को पार करने में भी 10 मिनट ही लगते हैं, लेकिन ये सुरंग तो खत्म ही नहीं हो रही थी। आखिरकार सबने वापस मुड़ने का फैसला किया, लेकिन फुल स्पीड में 30 मिनट चलने के बाद भी वो शुरुआत तक पहुंच ही नहीं रहे थे। ये एक अंधेरी सुरंग थी जिसका कोई अंत नहीं था। सब डर कर बस से नीचे उतर गए। अचानक जिंग को अपना फोन जमीन पर पड़ा दिखा, जो उससे गलती से सुरंग की शुरुआत में गिर गया था। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई आम सुरंग नहीं है। ली ने आगे बढ़कर कहा कि उन्हें चलकर बाहर का रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन घना अंधेरा होने की वजह से वहां कोई भी आसानी से गुम हो सकता था, इसलिए जिंग ने उसे अपना ऊन का गोला दिया। ली एक हिस्सा लेकर आगे बढ़ने लगा और दूसरा हिस्सा वांग नाम के एक दूसरे पैसेंजर के पास था। तभी सुरंग वाले अनजान आदमी ने कहा कि वो भी ली के साथ चलेगा। उस आदमी का नाम चियान है। कुछ देर बाद वहां धुंध पड़ने लगी और बस के लोगों को दूर से दो आदमी उनकी तरफ आते दिखाई दिए। सब उनका सामना करने को तैयार थे, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि ली और चियान ही थे। वो सुरंग बिल्कुल सीधी थी, लेकिन फिर भी न जाने कैसे लोग घूमकर एक ही जगह पहुंच जाते थे। अब वो फंस चुके थे, इसलिए ली ने सारी खाने पीने की चीजें सभी लोगों में बांट दी। अब चारों आदमी फिर से रास्ता ढूंढने निकले, जबकि औरतें और बच्चे बस में ही रुक गए। थोड़ी देर बाद जिंग ने देखा कि सिर्फ 30 मिनट में ही उनकी बस पर धूल जम चुकी थी। घबराकर उसने सबको उठाया और बस से बाहर ले आई। उधर चारों आदमी भी एक बार फिर से वहीं पहुंच गए। टोनी ने देखा कि उनका खाना भी एकदम सड़ चुका था। इसका मतलब ये था कि इस भूल भुलैया में समय भी असली दुनिया के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। उन्होंने बस में देखा तो उन्हें पूरी सुरंग का एक नक्शा दिखाई दिया, जो न जाने कौन वहां पर रखकर चला गया था। ली ने नक्शा समझने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त लाइट चली गई और अचानक ली भी गायब हो गया। वहां खून के निशान थे, जिसका पीछा करते करते सब एक खोखली दीवार तक पहुंच गए। उसे तोड़कर वो एक अजीब से कमरे में पहुंचे, जहां बहुत से गुम हो चुके लोगों की तस्वीरें थी। वहां पूरी जगह का इंजीनियरिंग डायग्राम पड़ा था। उसके मुताबिक यहां कुल मिलाकर 6 सुरंगें थी जो आपस में जुड़ी हुई थी। चियान ने हिसाब लगाया कि बाहर निकलने के लिए उन्हें 6 की 6 सुरंगों को पार करना होगा। उसके मुताबिक इसी कमरे में दूसरी सुरंग का रास्ता मिलेगा। कमरे में उन्हें एक अजीब सा कैलेंडर भी मिला, जिस पर सिर्फ 15 जुलाई की ही डेट थी। चियान ने उसे फाड़ दिया और उसके पीछे एक खुफिया दरवाजा मिला। उनके जाने के बाद कमरे के टीवी में एक औरत दिखाई दी, जो एक छोटी सी गुफा में कैद थी। इसके बाद वो सब दूसरी सुरंग में पहुंचे, जहां उन्हें उसी जगह पर अपनी बस मिली। लेकिन बस को देखकर ऐसे लग रहा था मानो वो महीनों से वहां खड़ी हो। बस में उन्हें अचानक से नूडल्स मिल गए, लेकिन टोनी ने बंदूक की नोक पर खाने पर कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए सबको बहुत जल्दी भूख लग गई, जिसकी वजह से वो जानवरों की तरह बर्ताव करने लगे। सैरा नाम की एक पैसेंजर, जो पेशे से एक मॉडल थी, खाने के लिए टोनी के साथ जिस्मानी संबंध बनाने को तैयार हो जाती है। वैंग ने चुपके से एक नूडल्स का पैकेट चुरा लिया, लेकिन टोनी ने उसी वक्त उस पर हमला कर दिया। अंधेरे में अचानक से कोई पीछे से टोनी का खून कर देता है और बाकी सब बस देखते ही रह गए। वांग की नजर बस के नीचे गटर के ढक्कन पर पड़ी। उसके अंदर जाने पर वो सभी एक और अजीबोगरीब कमरे में पहुंच गए। इस बार टीवी पर वो लड़की धीरे धीरे गुफा में डूब रही थी। ग्रुप को एक बार फिर वही कैलेंडर दिखा, जिसके पीछे एक और खुफिया दरवाजा था। उसे पार करके अब वो तीसरी सुरंग तक पहुंच गए थे। ये सुरंग पहले से बहुत अंधेरी और सुनसान थी। यहाँ भी बस मौजूद थी, लेकिन उसमें सांप भर चुके थे, मानो बस वहाँ सालों से खड़ी हो। अचानक वैंग ने बंदूक निकाल ली और कहने लगा कि जब जब कोई मरा है उन्हें खुफिया रास्ता मिला है।
इसलिए यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने के लिए अगर उसे उन सबकी जान भी लेनी पड़े तो वो ले लेगा। उसने जिंग के हाथ से चियान के कंधे पर गोली चलवा दी। उसने उनके साथ आए दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर पीटना शुरू कर दिया और फैंग को गोलियों से भून दिया। उसने सैरा को भी गला दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही किसी ने पीछे से आकर उसका काम तमाम कर दिया। उसकी मौत के बाद अब उन लोगों को एक और खुफिया रास्ता मिला जो चौथी सुरंग में खुलता था। तभी जिंग नाम की वो औरत जो प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी का समय आ गया और सैरा और चैन मिलकर बस की तलाशी लेने लगे। ये सुरंग लोगों का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है, इसलिए सैरा को अजीबोगरीब लोग दिखाई देने लगे। डर कर वो बस से बाहर भागी, लेकिन उसके चारों ओर लाशें ही लाशें थी। वहीं उसे एक शीशा दिखा और उसमें देखते ही किसी ने उसे पीछे से मार डाला। चियान, जिंग और पार्क आगे बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में ही जिंग का बेटा मर गया। अचानक जिंग ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और एक चाकू से चियान को भी मार डाला। चियान की आंख खुली तो वो एक सीक्रेट हॉस्पिटल में था। असली कहानी एक आर्मी ऑफिसर ने समझाई। असल में कहानी की शुरुआत में जेम्स नाम का जो सीरियल किलर हमने देखा था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से वो कोमा में था। जेम्स ने कई औरतों को किडनैप करके मार डाला था, लेकिन सायरा नाम की एक लड़की अभी भी जिंदा थी। लेकिन जेम्स के अलावा कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। उसके कोमा में होने की वजह से उन्होंने एक साइकोथेरेपिस्ट को जेम्स के दिमाग में भेजकर लड़की का पता लगाने का फैसला किया। ये साइकोथेरेपिस्ट चियान ही था और असल में वो लड़की सायरा चियान की ही पत्नी है। यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ जेम्स के दिमाग में चल रहा था, जो हमने चियान की नजरों से देखा। उसे अब तक यही पता चल पाया था कि उसकी पत्नी किसी नदी के आसपास कैद है, लेकिन तेज बारिश की वजह से अगले 36 घंटों में नदी के आसपास की सारी गुफाएं पूरी तरह पानी से भर जाएंगी। चियान ने आर्मी ऑफिसर को उस बार बार दिखने वाली तारीख 15 जुलाई के बारे में बताया। ऑफिसर ने कहा कि इसी दिन जेम्स के माँ बाप की मौत हो गई थी। उसकी माँ का एक ड्राइवर के साथ चक्कर था, जिसका पता उसके बाप को चल गया था। उसकी माँ ने अपने पति को मारकर अपनी भी जान दे दी थी। असल में जेम्स खुद एक टनल इंजीनियर है, इसलिए जब वो कोमा में गया तो उसने अपने दिमाग में खतरनाक सुरंग बनानी शुरू कर दी, जो उसके दिमाग की तरह ही एक भूल भुलैया थी। चियान का मकसद था सुरंग में जाकर जेम्स को बाहर निकालना, ताकि वो कोमा से बाहर आ जाए। लेकिन उस हत्यारे का दिमाग इतना पेचीदा होगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। उसके दिमाग में मौजूद बस में बैठे सभी पैसेंजर्स दरअसल उसकी जिंदगी के अलग अलग पहलू हैं। सबसे अच्छा था ली, जो उसके अंदर मौजूद अच्छाई की एक झलक था। दूसरा टोनी था, जो जेम्स के गुस्से को दिखाता था। वैंग जेम्स के दिमाग में उसके पिता की पर्सनैलिटी थी, क्योंकि जिस तरह वो बाकी सबको मार रहा था, असल जिंदगी में भी वो उसकी माँ को मारा करता था। और सैरा एकदम उसकी माँ के जैसी थी। उसकी माँ भी एक मॉडल थी और असल जिंदगी की तरह उसके दिमाग में भी उसका एक ड्राइवर के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। वो प्रेग्नेंट औरत जिंग उसके एक सपने की तरह थी, क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि उसकी माँ बिल्कुल वैसी हो। लेकिन वो भी उसके दिमाग में जेम्स की बुराई को बदल नहीं पाई और मारी गई। आखिर में बचे वो जुड़वा बच्चे जेम्स के बचपन को दर्शाते थे, लेकिन वहाँ कोई और भी मौजूद था जो बस में नहीं था, वो जिसने छुपकर ली, टॉमी और वैंग का कत्ल कर दिया था। अगले दिन चियान एक बार फिर से जेम्स के दिमाग में दाखिल हुआ। इस बार उसने सीधा जेम्स से अपनी पत्नी के बारे में पूछा, लेकिन वो इतनी आसानी से कहाँ बताने वाला था। वो कहने लगा कि उसे अपनी माँ से नफरत है, क्योंकि उसने उसके बाप को मार डाला था। इसीलिए वो औरतों को किडनैप करके मार डालता था, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो चियान को अपने दिमाग के अलग अलग हिस्सों में ले गया, जहां उसकी जिंदगी के कई किस्से चल रहे थे। चियान ने जेम्स के नादान बचपने से भरे हिस्से पार्क से बात करनी चाहिए, लेकिन उसकी बहन फैंग ने उसे सायरा का पता बताने से रोक दिया। इसके बाद चियान एक सिनेमा हॉल में पहुंचा, जहां आखिरकार उसे सुरंग में हुए कत्ल करने वाला आदमी मिला। ये कोई और नहीं बल्कि चियान खुद ही था। इसका मतलब था कि जेम्स का दिमाग इतना शैतान था कि जो भी उसमें झांकता वो खुद भी एक कातिल की तरह सोचने लगता। शैतान चियान ने बताया कि वो सायरा को बचाना नहीं चाहता, इसीलिए उसने एक एक करके सुरंग में सबका खून कर दिया और नए जन्मे बच्चे को भी मार डाला। इसके बाद वो असली चियान को एक अंधेरी जगह पर ले आया, जहां उनका आखिरी मुकाबला होगा। जल्द ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही असली चियान जीतने वाला था, एक और शैतान चियान वहां आ गया, जिसका सीधा मतलब ये था कि शैतान कभी मरेगा नहीं। उधर बारिश काफी तेज हो रही थी और पानी अब सायरा की गर्दन तक पहुंच चुका था। तभी असली चियान के दिमाग में एक आइडिया आया, अगर वो अपनी जान दे दे तो उसके साथ साथ उसकी बुराई भी खुद ब खुद मारी जाएगी।
उसका प्लान काम कर गया और जेम्स के दिमाग से बुराई का नामो निशान मिट गया। इसके साथ ही हॉस्पिटल में जेम्स कोमा से बाहर आ गया और उसने तुरंत पुलिस को सायरा का पता बता दिया। आखिरकार सायरा को तो एन मौके पर बचा लिया गया, लेकिन चियान कभी नहीं उठा। वो अब उसी सुरंग में हमेशा के लिए कैद हो चुका है। ये थोड़ी पेचीदा कहानी है, तो तुम्हें इसके ट्विस्ट में क्या समझ में आया कमेंट्स में जरूर बताना। देखते हैं कहानी लोगों को समझ में आई भी है या नहीं।